ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपका पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तुगुरु में। आज के एपिसोड में मैं भगवान दत्तात्रेय के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक माने जाते हैं और साथ ही मार्कंडेय पुराण में वर्णित भगवान दत्तात्रेय के जन्म की कथा भी सुनाऊंगा। श्री भगवान विष्णु को प्रणाम करते हुए, उनका ध्यान करते हुए आइए जानते हैं भगवान दत्तात्रेय के बारे में। दत्तात्रेय भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक माने जाते हैं। मार्कंडेय पुराण में दत्तात्रेय की जन्म की कथा है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार एक कुष्ठ रोगी ब्राह्मण की पत्नी पतिव्रता एवं स्वामी भक्त थी। वह उसे कंधे पर बैठाकर जा रही थी कि मांडव्य ऋषि से कुष्ठ रोगी ब्राह्मण का पैर स्पर्श कर गया। मांडव्य ऋषि ने शाप दिया कि वह सूर्योदय होते ही मर जाएगा। पतिव्रता पत्नी ने कहा, तो फिर सूर्य उदय ही नहीं होगा। पतिव्रता पत्नी के इस संकल्प से सूर्योदय हुआ ही नहीं, हाहाकार मचने लगा। ब्रह्मा ने देवताओं को सलाह दी कि वे अत्र ऋषि की पतिव्रता पत्नी अनुसूया के पास जाएं। पतिव्रता के शाप का समाधान पतिव्रता ही कर सकती है। अनसूया के समझाने पर ब्राह्मण पत्नी ने सूर्योदय होने दिया और अनसूया ने ब्राह्मण को मृत्यु व व्याधि से मुक्त कर दिया। देवताओं ने अनसूया से वर मांगने के लिए कहा। अनसूया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को पुत्र के रूप में पाने का वरदान मांगा। इसी वरदान के चलते ऋषि अत्रि की पत्नी अनसूया के गर्भ से दत्तात्रेय का जन्म हुआ, जो विष्णु के स्वरूप हैं। अत्र के पुत्र सोम ब्रह्मा के तथा दुर्वासा महेश के रूप माने जाते हैं। मान्यता है कि दत्तात्रेय ने किसी गुरु से नहीं बल्कि प्रकृति से शिक्षा ली थी। यदि आप वास्तुशास्त्र से संबंधित किसी भी शंका का समाधान करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपॉइंटमेंट लेकर के संपर्क भी कर सकते हैं। ऐसी ही प्रामाणिक जानकारियों के लिए जुड़े रहिए आप अपने चैनल वास्तुगुरु से। बोलिए भगवान दत्तात्रेय की जय।